आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक और नया ब्लॉग लेके आई हूँ। तो आज है गणगौर, जो कि साल का बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है गणगौर भी। तो मैंने सोचा कि आज के दिन तो ब्लॉग बनाना बनता है। तो मेरा देख सकते हो अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। मैं 4 दिन से मैं बीमार पड़ी हूँ, बट सोचा कि वीडियो तो बनाना बनता है यार। तो मैं अभी तो मैंने रेडी नहीं हूँ, मैं रेडी होंगी। मैंने अपनी ड्रेस निकाल ली है, मुझे पहनना कुछ मुझे निकाला तो है मैंने, मुझे नहीं पता मैं इसको पहन पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बट फिर भी चलो मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं आज का पूरा दिखाती हूँ। गणगौर का पूजन वगैरह सबका मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। पानी तो लाओ, तुम तो खम बिना पानी के ले लूँ क्या? तो यहाँ मैं हो रही हूँ रेडी, थोड़ा सा मेकअप तो कर लेते हैं क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है, तो मेकअप तो करना बनता है। गणगौर है तो गणगौर का लुक तो तबीयत तो खराब है, लेकिन फिर भी वैसे भी मनु यार मानता क्यों नहीं है तू? मेरी तो सुननी ही नहीं है, मतलब है ना, मम्मा की तो सुननी ही नहीं है बिल्कुल। सुनता कहाँ सुनता, ऊपर से तबीयत खराब और ऊपर से भी हेवी सर्दी। यार इनको भी अभी दिक्कत होनी थी क्या? मेरी चूड़ी नहीं गई, सही बात है यार, जल्दबाजी का काम ना हमेशा गई, इनको आराम से पहनना पड़ेगा। मेरे हाथ बड़े हो गए, मेरी चूड़ियाँ छोटी हो गई यार, साइज तो यही आती है लेकिन कितनी दिक्कत हो रही इसको पहनने में। फिर भी एक तो कर कैसी लग रही है मेरी चूड़ियाँ? पूरे 3 साल के बाद मैंने ये चूड़ा अपने हाथों में डाला है, 3 साल के बाद, यानी कि
जो मनु पेट में था तब उसका बेबी शावर किया था, और उस टाइम मैंने चूड़े पहनाने की रस्म होती है ना, तब पहनाई थी चूड़ा मेरे को मम्मा ने मेरी। उसके बाद मैंने आज ही चूड़ा पहना है बेचारा चूड़ा, और आज पहना उसमें भी मेरी एक चूड़ी गई। मेरे साथ हमेशा सब होता ही है, चूड़ा पहन लिया है और किस्मत से ये इस ड्रेस पे मेरा मैच भी करता है। और साड़ी भी मैंने पहन ली, पूरी तो नहीं पहनी, मैं दिखाती हूँ आपको मेरी साड़ी, में से पहननी नहीं आती यार ऐसे साड़ी, जैसे पागलों की तरह साड़ी पहन रखी है मैंने अभी तक, मतलब मैंने पूरी साड़ी नहीं पहनी है। मैं ना मेरे को ना इसको ऐसे ओपन रखना है, तो मैंने सोचा इसको लास्ट में थोड़ा सा पिन सेट कर लूँगी। तो ये मेरा लुक, अभी तो मेरे को ज्वेलरी पहननी है तो मैं फटाफट से पहन लेती हूँ, क्योंकि वरना मेरी वजह से लगा लिया इसके ऊपर पिन, दो सेफ्टी पिन लगा लिया मैंने, उसके बाद भी निकल रही बाबा पीछे, बट कोई नहीं इसको तो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ये मैं हो गई हूँ रेडी, तो अभी चाची मेरी हैं वो रेडी हो रही हैं, उसके बाद हम जाएंगे गणगौर पूजा करने। मतलब यहाँ पड़ोस में ही जाते हैं किसी के घर पे, यहाँ पे तो वहाँ पूजा करने जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि गणगौर की पूजा हमारे यहाँ कैसे करी जाती है। वैसे यहाँ मेरे ससुराल में इतना रश नहीं है गणगौर का, मेरे पियर में यानी कि लालसोट जयपुर तरफ उधर बहुत ज़्यादा रश है गणगौर का, यहाँ इतना नहीं है। मतलब थोड़ा मतलब पूजा भी मतलब ऐसे अलग ही तरीके से करते हैं। मैंने तो यहाँ फर्स्ट टाइम, ये तो मेरा सेकंड टाइम है, मैंने लास्ट ईयर पूजा की थी गणगौर की यहाँ पे, तो मुझे याद भी नहीं है अच्छे से कि कैसे कैसे पूजा करी थी, क्योंकि यहाँ का तरीका थोड़ा अलग है। तो चलो आज मैं यहाँ का झालावाड़ का तरीका भी आपको बताती हूँ कि यहाँ किस तरह। दंशु इधर दिखा तो फेस, तो दिखा तेरा पूरा नहीं हुआ क्या तेरा मेकअप, ये रूस गई क्या, नाराज हो गई क्या यार, दोनों के दोनों ऐसे कर रहे, मेरे को भी तैयार नहीं होती, मैं भी आती और वो भी छोटी कर रही, तो छोटी नहीं कर, वो तो ऊपर जाके मेरे से कपड़े मांग रहा है, मेरे को जींस दे दो। अभी देखो गंशु का मेकअप बाकी है, मेकअप करवा ले पहले, लगाई के लिए तो है ना अंदर। दुल्हन फ्रूटी नहीं पीती, दुल्हन फ्रूटी नहीं पीती, कैसे बैठी थी वो, वो दूसरी वाली पहनते ना, वो चाची चाची इसकी वो बड़ी वाली, हाँ वो चिट बटन वाली क्लिप है ना, नहीं है मैंने कहा कर दी थी, मां को सुन कर हां
ले ली क्या? हाँ ये दो फेंकी, वो ले आओ कुछ लगाओ, वो पत्ता ले आओ, पत्ता आइए ले लिया जूगी वो पता नहीं होगा ये दो तो नहीं होगा, दो लिया वो सोचो वो वाली को क्या नहीं वो दूसरा आई वाले का दो लेना नहीं वो वो दूसरा तो है ना क्या आई का नीर वाला और लिया तो चाची भी ले लेंगे गर्मी को हाथ नहीं पोछ रहे थे मैं थोड़ा सा ये तो उड़ा दो ना जो चार हो जाए ना तिलक लगा मेहंदी लगा सब तो ये मोई तो लच्छा चढ़ाओ लच्छा ये लच्छा तो चढ़ा दे चढ़ाओ चाची चढ़ाई लच्छा चढ़ाओ ये चढ़ा चढ़ा दे सब पूजन कंप्लीट हो चुका है और ये देखो मेरी हालत आप देख सकते हो कैसा मतलब पूरा फेस पे ये लेकिन आज गणगौर है यार गणगौर करवा चौथ ये ऐसे मौके होते हैं जिन पर ये चीज़ तो अच्छी लगती है अगर फेल भी जाए तो रंग चढ़ जाता है हाय खैर पूजा कंप्लीट हो चुकी है अब खाना खाना है तो अभी थोड़ा सा अपने फेस को ठीक कर लेती हूँ मैं क्योंकि मुझे अब इतना मेकअप किया है इतना सज धज के तैयार हुए हैं तो यार एक दो रील्स तो बनानी बनती है ना तो सोचा थोड़ा सा रील्स बना लेते हैं उसके बाद मैं चेंज करूँगी ड्रेस भी और अपना फेस भी थोड़ा साफ उसके बाद ही क्योंकि अगर मैंने अभी फेस क्लीन करने की कोशिश की तो मेरा पूरा मेकअप निकल जाएगा था मैंने क्या यार आज तो मेरे को ना ये लो भाई हो गई है मेरी ड्रेस तो चेंज क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी उसमें मैं उसको झेल नहीं सकती थी क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है खाना बनाना भी है खाना खाना भी है और इतनी गर्मी तो मेरे से तो नहीं झेल पाती मैं उस साड़ी को तो मैंने चेंज कर ली है कुछ वीडियोस बना लिए मैंने उसके बाद मैंने अपनी ड्रेस चेंज किया तो ये मैंने फिर से साड़ी पहन ली है क्योंकि अभी एक और चीज़ है जो करनी है तो इस वजह से मैंने फिर से साड़ी पहनी सूट नहीं डाला मैंने साड़ी डाली है तो
अब बस मैंने ड्रेस चेंज कर ली है, तो मैं सोचू मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो नवरात्र चल रहे हैं अभी और हमारी फैमिली में सभी के नवरात्र का फास्ट है। मतलब सिर्फ मैं हूँ जो नवरात्र का फास्ट नहीं कर रही है, या एक दो छोड़ के सबके फास्ट है। तो पापा तो सुबह से चले ही गए थे और मेरे हस्बैंड, उनका भी आज ऑफ था ऑफिस, तो वो भी नहीं है, पर खेत पे चले गए पापा के साथ, खेत पे कुछ काम चल रहा है तो वहाँ पे चले गए वो लोग। तो मैं बस अब खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो खाना है कि मेरा तो फास्ट नहीं है, तो गणगौर पूजन के बाद ही खाना खाते हैं, तो मैंने गणगौर का पूजन जो हो गया तो मैंने सोचा कि मैं खाना बनाना पड़ेगा, तो खाना अभी एक बज रहे हैं, तो मैं पहले एक तो यार जब बज रहा था तो दो बज चुके हैं, तो मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। बज रहे हैं समथिंग 11:30 बजने वाले हैं, और आज का जो गणगौर का दिन था वो बहुत अच्छा गया है। बहुत अच्छा तो नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे गणगौर का इतना रश नहीं है, तो मतलब कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा है गणगौर का दिन भी ले तो। मतलब पूजा की, बस पूजा ही करी है, कुछ भी नहीं करो पूजन में भी। हाँ, मेरे को गणगौर का पूजन करने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा से एक घंटा के बीच में मैं फ्री होके घर पे आ गई हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं लगता है, यहाँ पे सारे काम से फ्री हो गई हूँ, और अब नाइट के 11:30 बजे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, इस व्लॉग का एंड भी कर देते हैं। तो हमारे मनु तो सो रहे हैं, मनु सो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, इस व्लॉग का भी एंड कर देती हूँ। तो ऐसे गणगौर का यहाँ पे पूजन किया मैंने, तो उसका सारा वीडियो आपको और उस लोग में सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पे किस तरह से गणगौर का मनाई जाती है, किस तरह से गणगौर सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि इधर की तरफ मेरे ससुराल में यानी झालावाड़ में इतना रश नहीं है गणगौर का जितना मेरे पीहर में है, यानी कि जयपुर साइड, उधर बहुत ज़्यादा है गणगौर का, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से यहाँ पर इतना नहीं है, पर जितना भी मैंने सब आप 11:30 बजे, लेकिन फिर भी अभी भी मतलब हमारे फैमिली वाले सोए नहीं है, सब्जी वगैरह हैं, कोई भी नहीं सोया है, तो इसलिए मनु सो गया है। मनु को मैंने सुला दिया है, क्योंकि वो भी थक चुका है, वो सारे दिन भर ऊपर से नीचे बस उसका यही काम रहता है, और फिर रात भर बोलता है मम्मा पेट दुख रहे हैं, मम्मा पेट दुख रहे हैं। फिलहाल तो सो गया है आराम से, तो इस वजह से। तो मैं कहाँ जो बता दी थी आपको ये कि लाल सोट में जब हम थे तो हमें मतलब गणगौर पूजन का इतना नहीं रहता था, लेकिन क्योंकि हम लोग स्कूल में रहते थे, कॉलेज में रहते थे, तो हम पूजन नहीं करते थे, और जब हम शाम को आते थे तो हमें ये लगता था कि गणगौर का मेला देखने जाना है, वहाँ पे गणगौर का मेला लगता था, गणगौर का जुलूस निकलता था। यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है, तो गणगौर पे वहाँ पे मम्मी एक दो दिन पहले से वो बिना शक्कर पारे जो बनते हैं हमारे इधर की तरफ, वो बनते थे, और बहुत सारे 5-6 तरीके के मम्मी बनाती थी, लेकिन यहाँ पे तो उसका भी इतना नहीं है, बस पूजा लाइक थोड़े से बनाते हैं मम्मी यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। और वैसे भी मेरी तबीयत 5-6 दिन से मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो मैं तो कुछ कर भी नहीं पाई हूँ, और मैं ब्लॉग भी अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। बट फिर भी जैसे मैं इससे जितना मेरे से बन रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की, और जितना हो सका मैंने सब आपको वीडियो में दिखाया है यहाँ पे किस तरह से गणगौर पूजते हैं, किस तरह से लेडी से क्या करती है, सब मैंने आपको बताया है। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग का भी एंड करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग भी आने वाला है, क्योंकि सरप्राइज वो मैं आपको उसी व्लॉग में बताऊँगी। तो इसलिए मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ, और आप सभी से फिर मिलते हैं।